जय हिंद साथियों। तो आइए आज का सेगमेंट शुरू करते हैं। आज के सेगमेंट में जो बॉस हैं उनके बारे में देखेंगे। तो जो बॉस हैं उनकी जो फैमिली ट्री है उसके बारे में मैं डायरेक्ट बता देता हूँ। ये हैं सुभाष चंद्र बोस और इनकी जो पत्नी हैं वो हैं, ये क्योंकि आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक थे और इन्होंने ICS की जो नौकरी है उसको छोड़कर एक तरह से देश की सेवा करने के लिए ठानी थी। और सुभाष चंद्र बोस की वजह से रियल में आर्मी विद्रोह का खतरा था, इसकी वजह से 1947 में आज़ादी मिली। और बहुत लीडर थे, गांधी, नेहरू और बहुत लीडर थे अनेकों, उनका नाम यहाँ पे नहीं लिया जा सकता। लेकिन जो डर था, क्योंकि आर्मी रिबेल कर जाती तो हो सकता था कि अंग्रेज़ ही मार डाले जाएँ, तो इसकी वजह से एक तरह से अंग्रेज़ छोड़ के भागे। अंग्रेज़ सबसे पहले जो एक तरह से चाह रहे थे मारना छोड़ने के बाद में, वो चाह रहे थे कि बोस मिल जाएं बस, तो इस तरह से। और बोस की जो पत्नी थी वो हैं इमली, और इनकी जो बेटी हैं वो हैं अनीता बोस प्याफ। और इनकी जो फैमिली मेम्बर हैं उनके बारे में आइए देखते हैं। तो जो इनके पिता थे वो इनके पिताजी थे जानकीनाथ बोस और प्रभावती इनकी माताजी का नाम था। और जो इनके सबसे बेटे थे वो हैं मतलब सबसे बड़े भाई होंगे इनके, वो हैं सतीश चंद्र, उनकी पत्नी कमला। जो दूसरे भाई हैं वो हैं शरद चंद्र, उनकी पत्नी विभावती। और जो तीसरे इनके भाई हैं वो हैं सुरेश चंद्र, उनकी पत्नी सुधा। चौथे एक तरह से जो चौथे हैं वो हैं सुधीर चंद्रा, उनकी पत्नी का नाम था शांतिलता। और पांचवे सुनील चंद्रा लालिमा, और ये छठे नंबर पर थे। सातवें नंबर पर हैं शैलेश चंद्र, इनकी जो पत्नी हैं वो हैं इनकी पत्नी का नाम है यहाँ पे प्रोनंसिएशन बहुत गलत हो रहा है, वो है इनका नाम था बाकिता लता। और फिर इसके बाद में संतोष चंद्रा, और फिर सिक्स डॉटर थी इसके इनके अलावा। तो फैमिली काफ़ी लार्ज थी। और जो बोस की फैमिली है वो आगे, क्योंकि बोस अपने आप को तो एक तरह से गुमनामी, इन पे अभी पिक्चर भी आई है इंडिया में दो, एक तो शास्त्री जी की मौत का और रहस्य, और एक दूसरी है बोस की मौत का रहस्य, कि इन लोगों की जो एक तरह से ये लोगों की जो डेथ है, निधन है, वो किस तरह हुआ, उसके बारे में बहुत ही विरोधाभास है। कुछ कोई और कुछ कहता है, कोई कहता है ताइवान में क्राइसिस हुआ, कोई कहता है कि बोस बाद में अयोध्या में आके एक गुमनामी बाबा के नाम से रहने लगे थे। तो इस तरह से बहुत सारी थ्योरी हैं, लेकिन ये है कि जो एक्चुअल चीज़ है वो गुमनामी पिक्चर आप देखिए तो आपका खुद का परसेप्शन डेवलप होगा। और लाल किले में इनसे रिलेटेड एक म्यूज़ियम भी बनाया गया है, तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। तो जो और इनकी जो शरद चंद्र और विभावती हैं, उनकी जो और फैमिली है वो अशोकनाथ, मीरा, अमित्यनाथ, ज्योत्सना, शिशिर कुमारी, सुब्रता, नंदिता, मीरा राय, ओमिता विबुआस, रोमा राय, चित्रा घोष। और इसी के साथ में जो ज्योत्सना हैं उनकी शौर्या चंद्र, आप देख सकते हैं कितनी इनकी लार्ज फैमिली है। तो इसी के साथ में ये सेगमेंट ख़त्म होता है। और इसमें जो बोस हैं, बोस का आप अगर आप देखेंगे तो बहुत ही इनको एक तरह से, अगर आप इनसे रिलेटेड जानकारी चाहते हैं तो आप एक बार लाल किला विज़िट कीजिए, वहाँ पर इनकी टोपी भी रखी हुई है जो INA में इन्होंने यूज़ किया था, और किस प्रकार ये इंडिया से निकले, कैसे रशिया गए, कैसे हिटलर से मिले, कैसे जापान में एक तरह से कि, और जो जो बंदी थे कैदी उनको, जो सिपाही इंडिया के थे उनको कैसे INA में शामिल किया, किस तरह से जो रानी झांसी अरेंजमेंट बनाया, महिलाओं को इन्होंने पहली बार फ़ौज में शामिल किया। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हुई। तो इनके ऊपर ज़रूर गुमनामी फिल्म तो आप देखिए ही, और शास्त्री के ऊपर भी एक तरह से ताशकंद फाइल करके मूवी बनी है, अभी जल्द के दिनों में ही बनी है। तो अभी उस तरह से हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं तो आप देख सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।